फाइनली कॉलेज का मेन आ चुका है कि ऑफलाइन क्लासेस चालू हो रही हैं, तो मैं हैदराबाद जा रहा हूँ ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के लिए। बहुत टाइम लग गया भाई इसमें। तो किसी ने क्रिंज मॉन्टाज देखा है जो सब लोग ट्रांजिशन के लगा देते हैं? मैंने भी लगाया, देख लो। हाँ तो मैं कैंपस पहुंच चुका हूँ और ये गेट है वेट्स पे लाने का। और जिन लोगों ने मुझे कहा था कि तू तेरा नहीं हुआ इसलिए तू एलन पे वीडियो बना रहा है, कैंपस के बाहर एक मंदिर है छोटा सा, इधर ही आता हूँ एग्जाम से पहले क्योंकि बहुत जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ता कौन है ना। बात तो सही है। तो कैंपस पे घुसते ये दिखाया जाता है भाई, कैंपस बहुत सुंदर है, सही बता रहा हूँ, कैंपस बहुत सुंदर है। इसका नाम लवर्स लेन है इस रोड का। नहीं यहाँ पे वो सब नहीं होता जो सुन के लगता है, पता नहीं नाम वो क्यों रखा है। उस साइड रोड नॉट टेकन है और वहाँ पे वो सब होता है जो यहाँ होना चाहिए था। तो रात में कभी रोड नॉट टेकन पे जाओगे तो बहुत चीज़ें दिखती है, तो इसलिए मैं जाता हूँ रोज। आगे जाके ये आता है इससे, ये फिलोसोफर स्टोन, ये फिलोसोफर स्टोन है, इस पर हाथ छापे हुए हैं। इसका रीज़न मुझे पता नहीं, सीनियर से पूछूंगा, वो कभी बताएंगे। शायद फर्स्ट बैच ने इनका इनमें कुछ हाथ वाथ छापे थे तो शायद नाम रख दिया, पता नहीं भाई मुझे। तो उस सुंदर लेन के बाद आता है ये एक बिल्डिंग है, इसका नाम एकेडमिक ब्लॉक है। मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है ये किस लिए है, यहाँ पर शायद तक क्लासेस होती है, मुझे पता नहीं, ऑब्वियसली मैं क्लास अटेंड नहीं करता। ये रॉक गार्डन है हमारे कैंपस का लाइक मेन अट्रैक्शन टाइप से, और यहाँ सब वाइब करते हैं बैठ के। अभी जैसे जैमिंग सेशन हुआ था, पर वाइब सब ठीक है। ऐसे नॉर्मल डेज पे अगर तुम रात में कभी आओ यहाँ पे तो तुमको वही दिखेगा जो आरएनटी पे दिखता है, तो इसलिए मैं रोज आता हूँ यहाँ। तो अब पूरे कैंपस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, गर्ल्स हॉस्टल। भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, ये इसे सैक बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सारे स्पोर्ट्स होते हैं, और मतलब ये जो आउटडोर है उनको छोड़ के लाइक ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये इधर बास्केटबॉल है, उस साइड टेनिस है, और वो वाला न्यू फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पे एक्चुअली लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट नहीं। तो सैक के अंदर है एक पूल रूम, एक जिम जो कि अभी लॉक है फॉर सम रीजन, दो बैडमिंटन कोर्ट जिसमें अभी बच्चे खेल रहे हैं, एक डांस क्लब जिसमें मेरे घुसने की औकात नहीं, एक टीटी रूम, एक बॉक्सिंग बैग जो सैक के बीचों बीच लटक रहा है, एक कैरम का रूम, एक चेस का रूम। इस रूम से बहुत लोगों को दिक्कत है, एक बार कैंपस आता समझ आएगा। एक स्क्वॉश रूम जिसमें एक मैट्रेस पड़ी हुई है फॉर सम रीजन। ये स्पोर्ट खेलता भी है क्या कोई, मैंने आज तक देखा ही नहीं है। साक में यही सब था, अभी साक के बाहर सारे आउटडोर स्पोर्ट दिखाता हूँ। तो ये न्यू फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे अभी टूर्नामेंट चल रहे हैं फुटबॉल के, लाइक अभी नहीं शाम में चलते हैं। ये स्विमिंग पूल है, इसमें एक दिक्कत है कि सिर्फ स्विमिंग टीम में जो है सिर्फ वही लोग इसमें जा सकते हैं, भाई ये गलत बात है। वैसे ये काफी गंदा है, नहीं तो मैं कूद जाता, किसी को क्या ही पता चलता। ये क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है लाइक ऑब्वियसली। ये बास्केटबॉल कोर्ट है, ये टेनिस कोर्ट है, ये वॉलीबॉल कोर्ट है, वो साइड फैकल्टी क्वार्टर है, हम अलाउड नहीं है, पर सीनियर्स ने कहा कि हम लोग जा सकते हैं। ये मेस वन है, तो हमारे कैंपस में दो मेसेस हैं, मेस वन और मेस टू। मेस टू मेरे हॉस्टल से बहुत पास है, लाइक लेजिट दो कदम दूर होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने मेस वन रजिस्टर कर रखा है क्योंकि मेस वन गर्ल्स हॉस्टल के पास है। तो ये मेस का खाना है, बेसिकली रोज ऐसा ही कुछ मिलता है, और मेस का खाना भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लेकिन इन ऑल सीरियसनेस खाना एक्चुअल अच्छा है, मेस के हिसाब से अच्छा है। जैसे मैंने M&ID का खाना भी खाया है, ठीक है, M&ID का खाना खाना नहीं है भाई, यहाँ का खाना एक्चुअल तुम खा सकते हो। बात बताना ही भूल गया, हमारे कैंपस में CP है, कनॉट प्लेस। एक्सपेक्टेशन क्या हाई है ये ना, लाइक वो दिल्ली वाला टाइप का, देखो ये है CP, कनॉट प्लेस। भाई क्या सोच के इसका नाम CP रखा है, मैं जब पहली बार कैंपस आया था मैंने क्या ही इमेजिन कर लिया था CP के बारे में, कि ऐसा होगा वैसा होगा सेक्सी सा होगा, भाई ये थारा मूड खराब कर दिया। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, लेआउट काफी बेकार है, यहाँ सब्जी क्या शायद धोबी वोबी है कोई, ये बीच में खाली एरिया है बैठने के लिए, यहाँ पे SBI वाला बैंक है, ये ATM है, लेकिन सच में तो कैंपस में कोई कैश यूज करता है नहीं, जीपे वगैरह यूज होता है सिर्फ। ये स्टेशनरी है, ये जनरल स्टोर है, यहाँ पे बाल कटवाते हैं, सही कार्ड देते हैं अगर तुमको ये सही लगता है तो। ये दवाई की दुकान है, वो अग्रवाल है, अग्रवाल में सारी यूजफुल चीजें मिलती है जैसे चिप्स बिस्किट और क्या ही होता है उसको। हाँ और फाइनली मेरा हॉस्टल विश्वकर्मा भवन। तो बेसिकली यहाँ पे हॉस्टल के नाम H1 H2 नहीं होते हैं, यहाँ भगवानों और फेमस पर्सनालिटीज पे नाम रख देते हैं, जैसे कि विश्वकर्मा भवन हो गया, पीछे एक वाल्मीकि भवन है, एक गौतम भवन है, एक राम भवन है, और एक गांधी भवन है, गांधी जी पे नाम क्यों रखा, पर ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं।
हॉस्टल में घुसते ये दिखता है हॉस्टल ऑफिस, अगर ये चीज नहीं होती ना हॉस्टल में क्या ही मजे। तो ये हॉस्टल का क्यूटी है, इसे क्यूटी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ बैठने की जगह है, उधर वो दो वॉलीबॉल कोर्ट है, इधर दो बैडमिंटन कोर्ट है, पर यहाँ पे कभी कोई नहीं खेलता क्योंकि कोई क्यों ही खेलेगा जब साक में सब कुछ है और इससे कहीं ज्यादा बेटर। मेरे हॉस्टल में चार फ्लोर्स है, हर फ्लोर पे दो कॉमन रूम है। यहाँ पे एक टी टेबल रहती है, एक कैरम भी है पीछे और एक बंदा भी है जो कि सो रहा है। तो यहाँ पे कूलर रहता है इसलिए बेसिकली लोग सोते हैं यहाँ पे, मैं भी सोया हूँ एक दिन यहाँ पे। ये सेकंड कॉमन रूम है, यहाँ पे भी कूलर लगा हुआ है और यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे सब लोग मैच वगैरह देखते हैं। ये वाटर कूलर है और इससे पानी आता है, लेट्स गो। पानी वगैरह सब बहुत साफ आता है, किसी में कोई दिक्कत नहीं होती जब तक कोई बंदा पानी में नमक ना डाल दे। कॉन्टेक्स्ट के लिए हमारा जो थर्ड फ्लोर है बीके का, उसके सारे वाटर कूलर, छह वाटर कूलर होते हैं एक फ्लोर पर, ठीक है, उन सब में किसी ने नमक डाल दिया था, पता नहीं क्यों। हॉस्टल की एक बात काफी तगड़ी है, यहाँ पे जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर है सब खाली। देखो खाली ही है। एक और चीज, ये फायर अलार्म है ठीक है, ये भी काम नहीं करता। तुम लोग समझ रहे हो, फायर अलार्म काम नहीं करता, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है, आग लगेगी तो हम क्या करेंगे। बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि एक्सटिंग्विशर सारे खाली हैं क्यों, आज तक आग तो एक बार भी नहीं लगी है, और मान लेते हैं लगी भी है तो एक्सटिंग्विशर चेंज तो करोगे ना फिर। हाँ तो गाइस फाइनली एक्सटिंग्विशर मिल गया जो भरा हुआ है, पर एक ग्राउंड फ्लोर पे है। ग्राउंड फ्लोर पे एक्सटिंग्विशर का ज्यादा पॉइंट लगता नहीं भाई मुझे, क्योंकि मतलब आप सीधा यू भाग जाओ। कोई सेंस है इस बात का, हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। देखो ये है वाईफाई का राउटर और वो है मेरा रूम, और मेरे रूम के अंदर वाईफाई नहीं आता है। ये लोग बोलने के लिए बोलते रहते हैं कि वाईफाई पूरे हॉस्टल में हर जगह आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरा रूम है, विश्वकर्मा 220। शिट, लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, एक साफ रूम तुमने मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, है ना। खैर फिर भी अब एक बार रूम साफ कर ही लेता हूँ। 3, 2, 1। बहुत टाइम लगा भाई इसमें, फिर नहीं कर रहा मैं कभी भी अभी। तो ये साइड मेरा है और ये साइड मेरे रूममेट का है। मेरे रूममेट का नाम एकांश है, बहुत ही प्यारा बंदा। ये जो बेड्स हैं वो ऐसे नहीं होते, दोनों एक एक साइड होते हैं। ये स्टड, ये वैलू टेबल है, यहाँ पे वैलू खेला जाता है। ये बुक्स भी मेरी नहीं होंगी। और हाँ मैं बाथरूम के बारे में बताना भूल गया, बाथरूम मोस्ट ऑफ द टाइम साफ ही रहता है, लेकिन मैं अभी दिखाने वाला रिस्क नहीं ले रहा मैं, कि अभी मैंने कोई कमोड दिखाया उसमें टट्टी पड़ी हुई है फिर मैं उसे एडिट नहीं करूँगा, वो तुम पे जिससे मैं नहीं दिखा रहा। तो मैंने अभी पूरे कैंपस का टूर करा दिया, अभी एक बस एकेडमिक ब्लॉक बाकी है। एक बार मैं खुद जान जाऊँ वहाँ पे क्या होता है, उसके बाद में पक्का उसका टूर करा दूंगा अगले वीडियो में। तो फिर बस यही था पूरा वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग और बस और कुछ।